हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुक्रत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना और इन्जॉय करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे मोटोरोला के साथ में। और मोटो जी 40 फ्यूजन और मोटो जी 60 आज इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। और यहाँ पे मोटोरोला ने जो है वो यहाँ पे कमाल कर दिया है। काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे ये दोनों स्मार्टफोन्स को जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मोटो जी 60 और मोटो जी 40 फ्यूजन के सिमिलरिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में ही आप लोगों को 120 हर्ट्ज़ का फुल HD प्लस का HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल की आप लोगों को इसमें सेल्फी देखने को मिलती है। 6000 mAh की आप लोगों को जो है वो इसमें बैटरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है वो आप लोगों को इस फ़ोन में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो है वो कैमरा सेंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। मोटो जी 60 में आप लोगों को 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मोटोरोला मोटो जी 40 फ्यूजन में आप लोगों को 64 मेगापिक्सल्स का जो है वो प्राइमरी सेंसर यहाँ पे दिया गया है। और इंटरेस्टिंगली आप लोगों को मोटो जी 60 में यहाँ पे NFC भी जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कम डिवाइसेस में आप लोगों को यहाँ पे NFC जो है वो आजकल देखने को मिलता है। तो ये भी एक अच्छा आप लोगों को यहाँ पे प्लस पॉइंट इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। जहाँ तक इसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो मोटो जी 40 फ्यूजन आप लोगों को दो वेरिएंट्स में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 4GB रैम और 64GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग आप लोगों को यहाँ पे 14,000 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। जहाँ पे इसके हायर वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ 6GB रैम 128GB वाले वेरिएंट की, तो ये फ़ोन आप लोगों को 16,000 रुपीज़ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से स्पेसिफिकेशंस वाइज एक काफ़ी अच्छी प्राइसिंग आप लोगों को इस फ़ोन की देखने को मिल जाती है। और मोटो जी 60 की अगर मैं बात करूँ, तो ये फ़ोन आप लोगों को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में देखने को मिलेगा। 6GB रैम और 128GB वाला जो वेरिएंट है इसका, इसकी प्राइसिंग मोटोरोला ने रखी है 18,000 रुपीज़ की। और यहाँ पे आप लोगों को ICICI बैंक कार्ड्स पे जो है वो 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। तो इफ़ेक्टिवली इसकी प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को 16,500 यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये जो है वो आप लोगों को चीपेस्ट 108 मेगापिक्सल्स वाला स्मार्टफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन्स यहाँ पे मोटोरोला ने जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। आप लोगों को इन स्मार्टफोन्स के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं Redmi की। तो Redmi K40 Enhanced Gaming Edition स्मार्टफोन आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही जल्दी जो है वो देखने को मिलने वाला है। और ये स्मार्टफोन जो है वो फ़िलहाल के लिए चाइना में सबसे पहले लॉन्च होगा। और ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोगों को डेफिनेटली इंडिया में भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। और इंटरेस्टिंगली ये स्मार्टफोन आप लोगों को इंडिया में पोको ब्रांडिंग के अंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि पोको F सीरीज़ का कोई एक स्मार्टफोन आप लोगों को यहाँ पे ये स्मार्टफोन के रीब्रांड यहाँ पे देखने को मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्मार्टफोन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका पोस्टर जो है वो दिखा रहा हूँ। देखने में आप लोगों को ये काफ़ी एक गेमिंग स्मार्टफोन टाइप जो है वो लुक यहाँ पे दे देता है। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये स्मार्टफोन जो है वो हमें इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब बढ़ते हैं बोट की तरफ। और बोट जेनेट स्मार्ट वॉचेस की जो है सीरीज़, वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुकी है। और इसके बारे में मुकुल शर्मा ने जो है वो हमें ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया था। और बोट ने जो है वो रिसेंटली अपने स्मार्ट वॉचेस को लॉन्च करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली ही बोट ने जो है वो अपने दो स्मार्ट वॉचेस को इंडिया में लॉन्च किया है। और आगे भी जो है वो बोट की तरफ से आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉचेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से जो है वो प्राइस सेगमेंट को यहाँ पे बोट टारगेट करता है, ये तो हमें थोड़े ही दिन में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं ओप्पो की तरफ। और ओप्पो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, जिसका मॉडल नंबर आप लोगों को CPH2321 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है इसके बारे में मुकुल शर्मा ने हमें ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया था। और ये स्मार्टफोन जो है वो आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं Realme की। और Realme Watch 2 और Realme Watch 2 Pro, ये जो स्मार्ट वॉचेस हैं ये भी इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। और मुकुल शर्मा ने इसके बारे में ट्वीट करके जो है वो हमें यहाँ पे बता दिया है। इसका मतलब Realme की Watch 2 और Watch 2 Pro आप लोगों को इंडिया में बहुत ही जल्दी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है।
अगर इंटरेस्टिंग प्राइसिंग पे ये स्मार्ट वॉचेस को रियल मी लॉन्च करता है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ अच्छी स्मार्ट वॉचेस यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो देखते हैं कितनी जल्दी हमें ये स्मार्ट वॉचेस जो है वो इंडिया में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ, जो कि आप लोगों को यहाँ पे वीवो की तरफ से देखने को मिल जाती है। और अभिषेक यादव ने यहाँ पे ट्विटर पे वीवो V21 5G के एक्सक्लूसिव स्पेसिफिकेशंस जो है वो लीक कर दिए हैं। इसमें आप लोगों को 90 हर्ट्ज का E3 एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा SDR10 के डिस्प्ले के साथ में, 4000mAh की बैटरी होगी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में ये फ़ोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को स्मार्टफोन में ये देखने को मिलेगी कि आप लोगों को इसमें फ्रंट और रियर कैमरा दोनों में यहाँ पे OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। रियर में जो है वो आप लोगों को 64 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आप लोगों को 44 मेगापिक्सल्स का OIS वाला जो है वो फ्रंट कैमरा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बहुत ही जल्दी ये स्मार्टफोन आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे वीवो जो है वो स्मार्टफोन की प्राइसिंग यहाँ पे क्या रखता है, ये तो हमें थोड़े ही दिन में यहाँ पे पता चल जाएगा। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।